नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ आम खबरों के साथ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री व जयपुर ग्रामीण बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कल आमेर तहसील में लोगों से जनसंपर्क किया, साथ ही लबाना और खोरमीरा में ग्रामीणों ने उन्हें केले से तोला। बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कर्नल राठौड़ का भव्य स्वागत किया। वहीं महिलाओं ने गीत गाकर उनका स्वागत किया। कर्नल राठौड़ ने महिलाओं से बात की तो महिलाओं ने कहा कि हमारे लिए पानी की सुविधा कर दो, क्योंकि पानी के संकट से दूर दराज जाकर पानी लाने को हम मजबूर हैं। कन्नौज में कल एक रैली के दौरान एक सांड ने जमकर उत्पात मचाया। सपा बसपा और आरएलडी महागठबंधन की संयुक्त रैली में अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती पहुंचने वाली थी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ताओं की मदद से सांड को मैदान से हटाने में मदद मिली, तब जाकर गठबंधन के नेताओं का हेलीकॉप्टर जमीन पर उतारा गया। शत्रुघ्न सिन्हा कल मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी संजय निरुपम और उर्मिला मातोंडकर के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा, दो लोगों की सेना द्वारा थोपी गई नोटबंदी और जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। राहुल गांधी को उन्होंने देश का वर्तमान और भविष्य बताया। आपको बता दें, शत्रुघ्न कांग्रेस की टिकट पर पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। कन्नौज में कल महागठबंधन की रैली के दौरान डिंपल यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मायावती डिंपल के पक्ष में रैली करने पहुंची थी। स्वागत के दौरान मायावती ने आशीर्वाद के रूप में उनके सिर पर हाथ भी रखा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की एक अदालत ने हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास और 27,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दरअसल विजय कुमार ने थाना कुहडोर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 नवंबर 2013 को उसके पिता जगन्नाथ खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान उनके बैल पास के खेत में चले गए, जहां तीन लोगों ने उन्हें लाठी और डंडे से पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में एक सड़क दुर्घटना में आज 6 लोगों की मौत हो गई। जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ट्रक से मोटरसाइकिल टकरा गई, जिसमें बाइक सवार सभी लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सभी शवों को अस्पताल में भेज दिया। मरने वालों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन को बम से उड़ा देने का धमकी भरा पत्र मिला है, जिसके बाद से राज्य सरकार ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान सहित सभी अति संवेदनशील धर्मस्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इस दौरान आश्रम, गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं में ठहरने वालों की पहचान की जांच भी की जा रही है। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का नया गाना आज रिलीज कर दिया गया है। सपना ने दलेर मेहंदी के साथ बावली तरेर गाने में काम किया है। इस गाने ने रिलीज होते ही यूट्यूब पर धमाल मचा दिया है। डांस के साथ ही सपना ने इस गाने में दलेर के साथ गाना भी गाया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ। CHECK मीडिया, मोबाइल नंबर 9350816300, ईमेल आईडी है CA आजकल इंडिया @gmail.com।